हेलो सरमद एंड वेलकम टू माय शो. हेलो फर्द, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. कैसे हो? अच्छा. सो रेडी टू से इट ऑल? यस. सबसे पहले तुम्हारी एक्टिंग से शुरू करते हैं, थिएटर से. जब तुमने घुंघरू पहन के हाई हील्स पहन के स्टेज के ऊपर डांस किया था तो उस वक्त मर्दानगी को चोट नहीं लगी थी? क्यों? देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो मुझे लगता है हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हिस्ट्री को बहुत कन्वीनियंटली भुलाना चाहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं. मेकअप, विग्स, हील्स, ज्वेलरी मर्दों के लिए जादू हुआ था हिस्टोरिकली. यस, फ्रेंच राइट. हाई हील्स क्या होती थी? आपको ऊंचा होना होता था लोगों से. हाई हील्स का फेमिनिन मैस्कुलिन से कोई ताल्लुक नहीं था राइट. मेकअप क्यों होता था? विग्स क्यों होती थी? सर बड़े, वो जो बिग हेड्स कहते होते थे या वो क्या कहते, बिग विग्स. तो यू नो, सो आई डू फील कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक आपका मेंटल ब्लॉक होता है. बाकी मैं मतलब बहैसियत इंसान ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि आधी औरत और आधा आदमी, इसके बगैर आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. आप बने नहीं हैं उस तरह. मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, इफ यू आर सेइंग इट ऑल, टेस्टोस्टेरॉन खवातीन में भी होता है, एस्ट्रोजन आदमियों में भी होता है, हार्मोनली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग. सो अगेन नो, एंड देन द कैरेक्टर बेसिकली आई थिंक वो जो मेक बिलीव का पूरा है कि शेक्सपियर जब होता था तो तब खवातीन एक्टिंग नहीं करती थी, आदमी औरत बनते थे. बहुत सा दुनिया में थिएटर ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो किरदार हिस्टोरिकली बड़े बड़े लिखे गए हैं लोग उनके साथ जेंडर नहीं एसोसिएट करना चाहते. जैसे कि मैकबेथ जो है, हैमलेट है, वो बगैर क्रॉस ड्रेस किए खवातीन ने किया हुआ है. अब नया आप देख लें, जेम्स बॉन्ड को अब बाकायदा लड़ रहे हैं, जेम्स बॉन्ड इज अ वुमन नाउ राइट. सो समटाइम्स आई डू फील कि शायद वो थोड़ी चीज शायद हल्की सी फाइन लाइन से उधर चली जाती है. बट नो, और फिर वही बात है, ठीक है, अगर मर्दानगी बहैसियत एक फिनोमेना है तो मर्दानगी और गैरत बहुत से और कामों पे इस्तेमाल होनी चाहिए जहाँ गैरत और मर्दानगी के तकाजे हैं. अगर वो कोई एक अच्छा फिनोमिना है ही या उससे एसोसिएटेड कोई आइडिया ऐसा है तो वो और बहुत जगह पे नजर आना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ. तो स्टोरी में एक्चुअली क्या था? व्हाट वर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे? वाज इट अ वुमन इन अ मैनस बॉडी? नो, इट्स एन एक्टर. ओके. जिसको काम नहीं मिल रहा. एक आपको याद होगा वो मोइन अख्तर साहब ने भी किया था रोजी के नाम से. तो एक बेकार एक्टर सा है जिसको कुछ काम नहीं मिल रहा. और फिर वो उसमें स्टोरी ये थी कि कोई एम्बिशियस एक फिल्म मेकर आती है अमरीका से तो उसको कहती है कि मेरे पास एक रोल है कि एक आदमी है और वो एक स्क्रीन डीवा से ऑब्सेस्ड है. तो वो दिन में बैंकर है और शाम में ना वो कहीं अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहता है. तो अंजुमन बेगम का वो बहुत बड़ा फैन होता है. ओके. तो वो एडेप्टेशन थी एक बेसिकली. एंड देन देयर वर अदर थीम्स आल्सो. चांदर दी पामा छन. हाँ, और वो बाकी ऑफ स्क्रीन होता है उसका करियर. तो वो घर में जब वो चैलेंज के अच्छा मुझे अब ये प्रैक्टिस करनी है, वो चूंकि उसको न्यू एज में लेकर आ रही है सारे को, हेंस वी ब्रॉट इन, उनका थिएटर पे स्पेक्टिकल है तो वो हील्स एंड एवरीथिंग यू नो दे केम इन. सो दैट्स द इट वाज. बट यू डिड इट सो वेल आई बिलीव कि सारों ने कहा था कि हील्स पहन के डांस ऊपर से. वाओ, कितनी रिहर्सल हुई थी? बहुत ज्यादा. वो अजीब, मैंने पहले तो कभी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही फ्लैट जूते पहनने की आदत है, मतलब वो जो आदमियों के बूट्स में छोटी सी भी वो होती है हील, वो भी नहीं. टू थ्री मंथ्स टू प्रैक्टिस वेयरिंग देम. पर मैं दफ्तर में प्रैक्टिस करता था पहन के, तो वो दफ्तर में सब लोग अजीब हो जाते थे कि सारे आ रहे हैं हीले पहन के, चाह क्या रहे हैं. वी स्टार्टेड विद स्मॉलर वन एंड वी वेंट ऑल द वे टू द 5 एंड 1/2 इंचेस वाले जो मैंने. वाओ सर, बट आई कांट डू इट इन 5 1/2 इंचेस हील. दे वर क्वाइट बिग. वाओ. बट ट्रस्ट मी, उससे एक और अजीब सी चीज हुई. मेरा लोअर बैक का बहुत मसला है, वो हील की वजह से मेरा पोस्चर ठीक हो गया. ओह एक्सीलेंट. पूरा साल मुझे कमर में एक सीजन आता है ना, वो जो पूरे साल आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई पैच आता है, व्हेन माय बैक टोटली गिव्स अप. उस साल मुझे बैक को कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा वो हील से एक अजीब सा एक पोस्चर. तो चलो, वेरी गुड. आई थिंक वन शुड वेयर देम वंस इन अ व्हाइल. पता चले सर मैं तो वही पहनना शुरू हो गया. तो दूसरा आपने प्ले किया जिसमें आप डेथ पेनल्टी वाले मुल्ज़िम की पूरी रात आपने वो जो की थी, वो एक्सपीरियंस बताओ. व्हाट यू वेंट थ्रू? इट वाज वेरी वियर्ड. अगेन, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरा ख्याल है आप जब एक उम्र के हिस्से में पहुंच जाते हैं तो आप वो किसी आइडियोलॉजी के लिए करते हैं राइट.
और कुछ चीज़ें बहुत सेल्फिशली करते हैं। ये एक बड़ा अजीब सी चीज़ थी, मतलब एज एन एक्टर पहले मैं सेल्फिश हो गया, मैंने कहा हाँ ये किसी ने नहीं किया हुआ। लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्यूजन थिएटर एंड थिंग्स, बट एट लीस्ट आई न्यू के सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ हुआ। सो इट वॉज अ 24 hours नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस, इट वॉज कॉल्ड नो टाइम टू स्लीप। डेथ पेनल्टी की हवाले से जो एक नज़रियाती कुछ बातें कहना चाहते थे हम, वो भी बीच में शामिल। यू आर अगेंस्ट डेथ पेनल्टी? If it again, I think it's not as convenient as saying ke I'm against death penalty. I'm against unfairness. I'm against whatever method I adopted to research on it. It's only you just see unfair judicial system. आप जरा सा मतलब वही हम अपने घर की comfort से निकल के systems के जो अंदर बुनियादी flaws हैं उनको देखें। Capital punishment के ऊपर सिर्फ एक certain economic तबके के लोग मौजूद हैं। क्या मिडिल क्लास ऐसे क्राइम्स नहीं करती? क्या अपर क्लास ऐसे क्राइम्स नहीं करती होगी? मतलब व्हाई इज इट जस्ट कंस्ट्रिक्टेड इन अ वे, और व्हाई इज इट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक क्लास? फिर नहीं भुट्टो को भी फांसी? नो, बट अगेन या तो बिल्कुल वो टोकन ट्रॉफी टाइप आप करते हैं, एंड ऑल्सो द आइडिया इज कि आप पूरी दुनिया में अब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं करेक्शन का। नॉट इन सिविलाइज सोसाइटीज दे कॉल्ड करेक्शनल फैसिलिटीज, राइट? आपका कोई भी स्टेटिस्टिक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल। क्या मैं मतलब खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्ला मतलब किसी बच्चे के साथ कुछ होता है, मेरा क्या दिल नहीं चाहता कि मैं चीर फाड़ दूँ उसको जाके? मेरा दिल चाहता है मतलब, और मैं सिर्फ अपने औलाद नहीं लेकिन मतलब किसी के भी, एक इंसान के साथ जब कुछ ज्यादती होती है। मगर फिर जब आप एक माशरा बनाते हैं उसमें सिस्टमाइज करना, आपको एक सिस्टमेटिकली ठीक तो करने की ज़रूरत है ना। रेप, चाइल्ड अब्यूज, हर तरह का वायलेंस, टेररिज्म, इज़न्ट एवरीथिंग ऑन द राइज? बहुत ज़्यादा। हर चीज़ की स्टैटिस्टिक बढ़ती जा रही है। मतलब कितनी चीज़ों से हम हिले, मतलब हम APS से हिले, हम जैनब की दफ़ा कितने हिले, हम आए दिन हिलते, मगर वो चीज़ें ऑन द राइज क्यों हैं? इतने बड़े बड़े कार्टेल्स कहाँ काम कर रहे हैं जहाँ बच्चों की पोर्नोग्राफी इस मुल्क से? But I'm just saying, why aren't we fixing it? देखो आर्ट के जरिए हम समाजी पहलुओं को बहुत टच पूरी दुनिया में होते हैं, सोशल इश्यूज टच होते हैं। हम कर रहे हैं? यस एंड नो। यस टू अ लार्ज डिग्री। मैं सिर्फ इसलिए कहूंगा कि रिसेंटली एक ऑब्सेशन ही कह लीजिए, एक फैशन कह लीजिए, अब हर एक को सोशल मैसेजिंग करनी है, सोशल इश्यूज करनी है। बट जहाँ वही बात आती है कि कोई कैरेक्टर दिखा रहा होता है किसी और दुनिया के हिस्से में, तो वो उसकी कोई बीमारी है या क्या, उसके ऊपर एक टीम बैठ के रिसर्च करती है क्या होता है, कैसे कहा जाता है, क्या दिखाया जाता है। इट्स नॉट जस्ट हम, मुझे लगता है बस उसकी एक ऊपरी सतह के ऊपर काम कर लेते हैं, राइट? बहुत ऊपरा। मतलब मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, अभी भी जब चिल्ड्रन चाइल्ड मॉलेस्टेशन के हवाले से जब भी मैंने चीज़ें देखी, हम अभी भी उन लोगों को ऐसे पेंट कर रहे हैं कि वो कोई एलियंस होते हैं। वो तो बड़े स्मूथ ऑपरेटर्स होते हैं। एलियंस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे बस एक ही आदमी शायद निकला जो ये सबको करी जा रहा है। दे डोंट के हर जगह है। और इस तरह के क्राइम्स तो वो इतने स्मूथली ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपको पता है पिछले एक साल में कितने बच्चे रेप हुए हैं? इमेजिन। सो वो पोर्ट्रेयल की हद तक इस तरह, अब मैंने एस ए रूल मैंने कहा कि नहीं, जैसे आई डिड अ प्ले विद हम टीवी 2009, इट वाज अ रेप विक्टिम स्टोरी। सो मैंने कोई कहा, मैंने कहा अब कभी मुझे कोई बोलता है, मैंने कहा नो, आई जस्ट वांट टू नो कि हम अब कह क्या रहे हैं, कहना क्या है। एक वाकये को रीएनैक्ट करना, एक वाकये को दिखा देना, दैट्स नॉट ऑल। देखो जो भी रेपिस्ट है वो पहले दिन तो रेपिस्ट ही बनता है। उसका एक पहला स्टेप होता होगा, वो पहले हाथ चलाकियां करता है। इन चीजों को जो हम इग्नोर कर देते हैं लोगों में, ओ मुंडे तो कर दे ही नहीं, अच्छा तू दुपट्टा पाके जा, चादर पाके जा। इसी तरह यही लोग जानवरों के साथ जो जुल्म करते हैं वो बहुत बड़ी एक है कि वो लोग रेपिस्ट बनते हैं। तो हमारी ये टेंडेंसीज हमें ड्रामों में ये लोगों को अवेयर तो कराने के, इन चीजों को देखो, निशानों को देखो और निशानियों के ऊपर काम करना सीखो।